भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विरोध मार्च निकाला गया है जो कि राजधानी रांची के जिला स्कूल के पास से शुरू होकर डीसी कार्यालय तक जो है जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, ये राजधानी रांची के कचहरी रोड की जो है तस्वीर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो विरोध मार्च निकाल रहे हैं। जैसे CGL की जो परीक्षा हुई थी और उसमें पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया था और इसी को लेकर जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो इस विरोध प्रदर्शन में जो है शामिल है। आपको रांची के सांसद संजय सेठ दिखाई देंगे, पूर्व उप महापौर संजीव विजयवर्गीय दिखाई देंगे और भाजपा के कई जो नेता हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे जो कि इस विरोध मार्च में शामिल है। और कहीं ना कहीं जो है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश हो रही है, सरकार का विरोध हो रहा है। अगर बता दूं तो आपराधिक घटनाओं को लेकर भी जो है ये विरोध मार्च निकाला गया है। और देखिए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उनके विरोध में नारेबाजी की जा रही है और कार्यालय का घेराव करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो निकले हुए हैं। किस तरह से जो है रांची के सांसद संजय सेठ, संजीव विजयवर्गीय जो महापौर हैं वो हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई और भी जो नेता हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह, वो भी इस विरोध मार्च में शामिल हो गए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास है इस विरोध मार्च के माध्यम से। और रांची के जो डीसी कार्यालय है उसके कार्यालय का जो है घेराव किया जा रहा है और तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इसमें शामिल है। और रांची महानगर की ओर से जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इसमें शामिल हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध में और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो है विरोध किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दों को लेकर जो है ये विरोध मार्च निकाला गया है। और तस्वीरों में जो है आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं और विरोध मार्च निकाले हैं। रांची के जिला स्कूल से लेकर जो डीसी कार्यालय है कचहरी स्थित वहाँ तक ये विरोध मार्च निकाला जा रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास है। सरकार तक जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर जो है बात रखने की कोशिश होगी इस विरोध मार्च के माध्यम से। आपने पिछले दिन देखा होगा कि विदेशी महिला के साथ भी जो है एक दुखद घटना हुई थी जहां दुष्कर्म की घटना जो है सामने आई थी, उसका भी कहीं ना कहीं जो है विरोध है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। SSC पेपर लीक 25 लाख रुपए बेचा गया। आज से एक महीने पहले जब ये घटना हुई हमने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हमने कहा कि इस पर CBI जांच होनी चाहिए। हमने यहाँ सारे अधिकारियों को मुख्यमंत्री सहित ये आग्रह किया कि CBI जांच करो, ऐसे जो खेल खेल रहे हैं उनको दंडित किया जाए। क्या आज तक कोई कार्रवाई की, कोई CBI जांच नहीं? आक्रोश इसलिए कि 9 लाख छात्रों के भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। जब तक CBI जांच नहीं होती है हम सब भाजपा के कार्यकर्ता, हम सब जितने युवा 9 लाख युवा आंदोलित रहेंगे। आक्रोश इसलिए कि एक स्पेनिश महिला के साथ दुमका में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुआ और दुनिया के सामने झारखंड तो शर्मसार हुआ ही, देश भी शर्मसार हुआ। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने देश की ख्याति पूरी दुनिया में फैलाई, देश मोदी की ओर देख रहा है, दुनिया मोदी की ओर देख रही है और दूसरी तरफ स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार। आक्रोश इसलिए कि बालू की लूट, सेना की जमीन की लूट, आदिवासी जमीन की लूट, गिट्टी की लूट, कोयले की लूट, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में, कई अधिकारी जेल में, कई अधिकारी अभी जाने को तैयार हैं। आक्रोश इसलिए कि रांची में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ का सीनियर SP को आप फोन कीजिएगा मोबाइल में तो आपको टेप बसता नजर आएगा। अपने जीवन में 50 साल राजनीति को हो गए, सामाजिक जीवन में हमने ऐसा सीनियर SP नहीं देखा जिसका सरकारी मोबाइल टेप में बसता हो, उसको पता ही नहीं। क्या ऐसे ही कानून व्यवस्था सुधरेगी? ये राजधानी है, रोजाना हत्याएं होती है। हम तो मीडिया के मित्र आपको कहते हैं कि आप ब्रेकिंग न्यूज मत चलाना कि आज रांची में फलाने जगह हत्या हुई। आज ब्रेकिंग न्यूज ये चलाना
कि रांची में आज हत्या नहीं हुई, यह ब्रेकिंग है। आक्रोश इसलिए, आक्रोश इसलिए कि बिजली के दामों में टैरिफ में आपने वृद्धि कर दी। आक्रोश इसलिए, आक्रोश इसलिए महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है। युवाओं के साथ छल किया, 5 लाख नौकरी देने का आपने वायदा किया था, 4.5 साल बीत गए, आपने कुछ नहीं किया। आक्रोश इसलिए, आपने बेरोजगारी भत्ता के लिए बात की थी, आपने कुछ नहीं किया। आक्रोश इसलिए, आज इसीलिए हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर वरुण साहू की अध्यक्षता में आज हजारों कार्यकर्ता माननीय सीपी सिंह के नेतृत्व में हम सब उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर, हमारे शशांक जी हैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हजारों युवा आज सड़क पर उतर कर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और जब तक आक्रोश व्यक्त रहेंगे करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि हर जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। देखिए ये ठगबंधन की सरकार है, ये लुटेरों की सरकार है। आप कह रहे हैं कि SIT गठित हो गया, अरे भैया SIT में कौन लोग होते हैं? राज्य सरकार के ही पदाधिकारी होते हैं। आखिर राज्य सरकार के पदाधिकारी इतने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं तो उसकी जांच कैसे करेगा? इसीलिए हम लोग CBI जांच की मांग कर, ये सरकार हर क्षेत्र में फेल्योर साबित हो रही है, चाहे लाइन ऑर्डर का मामला हो, चाहे किसानों को उनका हक देने का मामला हो, चाहे युवाओं को नौकरी देने का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, चाहे परीक्षा समय पर कराने का मामला हो। और ये सरकार सिर्फ सिर्फ खनिज पदार्थ लूटने में लगी हुई है। और जब जब JMM कांग्रेस राजद की सरकार आती है तो इनका निशाना खनिज पदार्थ होता है, यहाँ के खनिज को बेचकर बाहर के लोग ले जा रहे हैं और ये पैसे कमा रहे हैं। आप देखिए ना, हर स्तर पर हर किसी कार्यालय में चले जाइए, आपको स्पष्ट बोलता है कि भाई हम इतना पैसा दे के आए हैं तो हम तो पैसा लेंगे। आम जनता करे तो क्या करे? आखिर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में जनादेश मिला है तो हम विपक्ष की भूमिका कर रहे हैं। हम सदन से लेकर सड़क तक इस सरकार का विरोध करते हैं, जन विरोधी नीतियों के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। जनता के हित में एक भी काम ये सरकार नहीं कर रही है, पूरा खजाना को लुटवाने का काम करे। अभी अबुआ आवास, ये अबुआ आवास में जो हमको जानकारी मिली है कि सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है और उसमें भी 20-25 हज़ार रुपया एडवांस ले रही है। तो मेरा कहना है कि हर चीज़ में आपको पैसा चाहिए, आम जनता जाए तो जाए कहाँ। इसीलिए हम लोग आज आक्रोश रैली निकाल कर और विरोध प्रदर्शन किया है, उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँचे, इसके लिए महानगर ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे CGL और आपराधिक घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध मार्च निकाला था और रांची के DC कार्यालय के समक्ष जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम बातों को जो है मुखरता से सामने रख रहे थे कि क्या कुछ जो है विरोध का मुद्दा है, क्या कुछ बात है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार को घेरने का जो है प्रयास किया गया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं जो यहाँ के सांसद हैं संजय सेठ और विधायक वो यहाँ पर कह रहे थे। और JSSC CGL की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था वो कहीं ना कहीं इनका प्रमुख मुद्दा था और इसी को लेकर जो है ये आज विरोध प्रदर्शन किया गया। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कार्यक्रम विकास का नीरज कुमार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है Kesto Mart, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें Kesto Mart, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।